हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक और आरजीबीवी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज की ये अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बनी रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, 5 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर और 7th और 8th सेमेस्टर की जो एग्जाम है वो आ चुके हैं और उनके एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों, एग्जामिनेशन फॉर्म की जो डेट है वो वैसे तो 25 थी, लेकिन 25 से पोस्ट ऑन हो गई, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि वो कब तक बढ़ चुकी है। और दोस्तों, आपको साथ यही बताऊँगा अपने जो टाइम टेबल है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपने अभी तक अपना टाइम टेबल डाउनलोड नहीं किया है तो अपना टाइम टेबल जो आरजीबीवी वेबसाइट पर जाकर आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट प्रोफाइल में जाकर आपको यहाँ पर स्टूडेंट प्रोफाइल में जाना है और दोस्तों, आपको यहाँ पर टाइम टेबल क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका टाइम टेबल हो आप क्लिक कर सकते, आप डाउनलोड कर सकते हो, चाहे वो बीटेक का हो, चाहे वो बीफार्म का हो, चाहे वो फिर किसी भी मतलब ग्रेजुएशन का हो, आप अपना डाउनलोड जो टाइम टेबल वो डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आरजीबीवी की एग्जामिनेशन डेट है वो कब तक बढ़ चुकी है और जो आपके जो एग्जाम है वो किस तरीके से होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर आप एमपी की एक और यूनिवर्सिटी जो कि जिवाजी यूनिवर्सिटी जो ग्वालियर में सिचुएटेड है, उसने अपने जो एग्जामिनेशन का जो तरीका है वो एकदम से पूरी तरीके से उन्होंने चेंज कर दिया है। क्योंकि पहले जो उनके एग्जाम होते थे वो एकदम से ओनली क्वेश्चन क्वेश्चन होते थे, लेकिन उन्होंने अब मल्टीपल टाइप क्वेश्चन भी उसमें डाल दिए हैं। तो दोस्तों, क्या अब आरजीबीवी उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डालेगी या नहीं डालेगी, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में तक बनी रहेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो आरजीबीवी की जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उनकी डेट कब तक बढ़ चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर आप बता देता हूँ कि दोस्तों, सबसे पहले तो जब प्रैक्टिकल और सेशनल की बात करें, दोस्तों सेशनल की जो सेशनल तो वैसे ही चुके होंगे आप सब लोग के। यदि आपके सेशनल नहीं हुए तो आपको जो 12 तारीख से पहले पहले आपके सेशनल भी हो जाएंगे कॉलेज लेवल पर। और दोस्तों, बात करें प्रैक्टिकल्स की, तो दोस्तों बीई की जो प्रैक्टिकल्स की जो लास्ट डेट है बी फार्म, MCA और BArc और MBA इंटीग्रेटेड, साथ ही साथ MCA डुअल डिग्री और BTech और BFarm PCI, इन सभी की जो एग्जामिनेशन सॉरी प्रैक्टिकल्स की जो लास्ट डेट है वो है 12/5/2022, यानी कि 12 मई 2022। 12 मई 2022 से पहले पहले आपके कॉलेज में आज जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के वो आपकी हो जाएंगे, आपके कॉलेज वाले एक्स्ट्रा को बुलाकर करवा देंगे। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म की, क्योंकि दोस्तों कई लोगों ने अभी तक अपने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे हैं तो उनको काफ़ी चिंता है कि उनके एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ साथ कितनी लेट फीस लगेगी, कितनी बड़ी लेट फीस नहीं लगेगी, वो भी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, BArc की बात करें, BArc CBGCS और CBGS की बात करें, तो उनकी जो एग्जामिनेशन की लास्ट डेट एग्जामिनेशन फॉर्म की 3rd और 4th सेमेस्टर वालों की वो है 15 मई। तो 15 मई से पहले पहले उन पर कोई लेट फीस नहीं लगेगी। BArc जी वालों की बात करें, जी सिस्टम वालों की, तो उनमें 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेमेस्टर की बात करें तो 30 तारीख थी, जो कि दोस्तों आए जो है 30 तारीख वो लास्ट हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों होगा डेट तो आपकी पोस्टपोन होगी, लेकिन आपको उसमें से कुछ लेट फीस बढ़ जाएगी। बात करें BArc के बाद CBCS और CBGS वालों की, उनमें भी अभी कोई लेट फीस नहीं है, लेकिन 30 तारीख की वालों की जो 500 रुपये लेट फीस है वो लगने लगेगी। बात करें दोस्तों बी फार्म PCI वालों की, CBCS और CBGS सिस्टम वालों की, 3rd और 4th सेमेस्टर की बात करें दोस्तों, कोई भी एग्जामिनेशन पर लास्ट लेट फीस नहीं है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने पर कोई भी लेट फीस नहीं है 15 मई से पहले पहले भरने पर। लेकिन दोस्तों 5, 6 और 7th सेमेस्टर की जो स्टूडेंट्स हैं उन पर 500 रुपये लगना चालू हो गए हैं 30 तारीख के बाद भी, या फिर अभी 25 तारीख थी, 25 के बाद जो लोग फॉर्म भरेंगे उनका 500 रुपये लेट फीस जो है एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ भरेगी। पहले 1300 रुपये का भरता था और अब शायद 1800 या फिर 1850 रुपये तक का भर जाएगा। बीटेक वालों की बात करें दोस्तों, बीटेक वालों पर 500 रुपये एक्स्ट्रा फीस लगेगी, क्योंकि 5, 6 और 7 और 8 सेमेस्टर वाले हैं और 3rd और 4th सेमेस्टर वालों पर कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म पर लेट फीस नहीं लगेगी। कब तक? 15 तारीख तक, 15 मई 2022 तक। MBA की बात करें तो दोस्तों MBA में भी ये 3rd और 4th सेमेस्टर वाले इंटीग्रेटेड वालों, 3rd और 4th सेमेस्टर वालों का 15 मई तक कोई लेट फीस नहीं है और 5, 6 और 8 सेमेस्टर वालों पर जो 500 रुपये हैं वो एक्स्ट्रा फीस लगेगी। MCA वालों पर सेम है दोस्तों सभी पर, 3rd और 4th सेमेस्टर वालों पर कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं है, लेकिन जो 5, 6 और 7 और 8 सेमेस्टर की जो एग्जामिनेशन फॉर्म की लेट फीस मतलब एक्स्ट्रा फीस है वो 500 रुपये सभी पर लगनी है। अब दोस्तों बात करेंगे कि एग्जामिनेशन फॉर्म का जो एग्जाम का जो मोड है वो कैसा हो सकता है। दोस्तों जैसा कि आपको बता दूं, पहले पैटर्न कुछ अलग आता था, क्योंकि दोस्तों पहले पैटर्न क्या होता था, सभी के एग्जाम्स हैं उनमें डिप्लोमा वालों में कुछ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते भी थे, लेकिन दोस्तों जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होते थे। तो दोस्तों अभी जिवाजी यूनिवर्सिटी ने जो अपने एग्जामिनेशन एग्जाम में है उनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाल दिए हैं, और उन्होंने ऐसा न्यूज़पेपर भी निकाला था कि उनके जो एग्जामिनेशन फॉर्म में पर जो मतलब उनका जो एग्जाम है एग्जाम का पैटर्न को चेंज हो गया है। साथ साथ दोस्तों ये कुछ आरजीबीवी का कुछ पता नहीं है कि भी उन्होंने ऐसा कोई अनाउंस नहीं किया है कि उनके जो एग्जाम है वो मतलब किस पैटर्न में आएंगे। अभी तक तो ऐसा पुराना ही पैटर्न बताया जा रहा है, लेकिन दोस्तों जब पहला पेपर होगा 11 तारीख को, शायद वो 8th सेमेस्टर वालों का है, तो उसमें दोस्तों 12 को यानी 11 को है, तो वो पता चल जाएगा आपको कि आपको जो एग्जाम है वो किस पैटर्न में होने वाली है। दोस्तों यदि 8th सेमेस्टर का एग्जाम यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उनमें, तो दोस्तों 7th और बाकी के भी जितने भी सेमेस्टर हैं उन सभी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे।
आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो उसके बाद वीडियो के लिए धन्यवाद।